कल ही एक जा था तो दोस्तों हम सब तो आए हैं घरे, और घरे दोस्तों आने के बाद जिसे बयान चार जने पकड़ा गए हैं और चारों जने बयान कबूल हैं। बयान देखो दोस्तों इक्कीस जने भी कबूल हैं, जो एक लड़की बा और अपने ऊपर लहे बा कि हम मारे हैं, लेकिन उम्मा दोस्तों पुलिस प्रशासन अब टाइट ना यानी सबके फिर अपने लिए एक गए, तब वहीं से लाश उठाई के दूसरी तब तक मरी ना रहे, तब फिर वहाँ जाए के बाद सब जने ओका फिर मारत गए ओकरे बाद फिर उठाए के ओका ले जाए के दूसरी ठार छुपावत गए। वह कुल हमें सब बतावत गए हैं और भाई हमें यह बताए हैं कहाँ से कि हम सब वहीं जाए गए, तो हमें सब बाहर पुलिस वाले खड़ा करा। हम थाना पुलिस को सबको अपने जेब में रखते हैं और सही बात है, उसके पास पैसा है तो जेब में ही रख रहा है, और हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, गरीब आदमी हैं और वो अभी तो गया है। देखो अब तो यहाँ हमारे यहाँ कोई विधायक नहीं, संसद नहीं, न कोई गांव का बड़ा जानकार और कोई ऐसा बड़ा जैसा नेता कोई भी या किसी भी पार्टी का कोई मिलियार निषाद पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे बहुजन हो, चाहे बसपा हो, कोई पार्टी का नेता हमारे तरफ भाई दरवाजे नहीं आया, आश्वासन भी नहीं दिया। ये गांव वाले सब आते हैं और वो अपना दुआर करके रुआ धोना चल करके सब चले जाते हैं। हम लोग जा रहे हैं तेजी बाजार और सब जने तैयार हुई हैं और चले भी थे, और आप सब देख सकते हैं काहे से आज मेरे भाभी के मटर के कुछ खुलासा हो या अलावा आज बुलाए रहे हैं, तो चलता हाथ गई जैसन हुए आप सब दिखावत रहा। तो हम सब निकल गए घर से और चलते ही पहुंच गए और पहुंचे वाला हाथ गए तेजी बाजार और थाना में कैसे हो आप रिपोर्ट खाएगा और बताएगा। तो तेजी बाजार आ गया गई और थाना में ज़्यादा थाना आ गया कैसे हो सामने बात आ रहे हैं, बात देख लिया एक जात निकल गए हैं और भाई एक अंदर बुलाई था कहा बात करे ना, और कुछ मालूम ना पड़ा दोस्तों, अब चलते ही घरे तब बात हो कहा बोले कहा ना, और आप सब दिखाई वीडियो में और उम्मा बहुत गेम वोम खेला गया बा, तो ऑडिशन रहे आप सब पहुँचे बाद दिखाओ करो आप रहे और दिखाना है और बहुत खेला करें घरे पहुँचे बाद आप जाने आ जा रहे घरे, और वही तो कुल उल्टा पुल्टा बयान भवा और अभी कुछ क्लियर ना भवा, चला आप सब बताओ तो दोस्तों हम सब तो आए हैं घरे, और घरे दोस्तों आने के बाद जिसे बयान चार जने पकड़ा गए हैं और चारों जने बयान कबूल हैं। बयान देखो दोस्तों इक्कीस जने भी कबूल हैं, जो एक लड़की बा और अपने ऊपर लहे बा कि हम मारे हैं, लेकिन उम्मा दोस्तों पुलिस प्रशासन अब टाइट ना हो के पूछे ना, तो अगर टाइट हो के पूछे होते तो पूरा वो सब पूरा उल दे होते, लेकिन वो सब खाली वो कुछ पैसे वैसे पाए हुई या कुछ अलग बात होए सो यानी दबाव होए वो अलग बात होए अब हम ना बता सकी दोस्तों, लेकिन पूरा टाइट हो कि ना अभी कुछ भाबा और उनका सबके आज रेफर कर दी है बाटे उनका सबके, तो जौनपुर सदर जौनपुर चला गया हाथ गए। तो चलो दोस्तों जैसन रहे, और लड़की ने जौन लड़की रही गवाही दे बा कि मर्डर है यानी मारे है वहीं है, और कुढ़ारी से पहले कहा है हमारे भौजी हमारे गई रहें जगह लकड़ी ले, तो पीछे पीछे गई है तो पीछे पीछे टेंगारी ले गई रही, तो वहीं लाख भौजी से हर और बतलाए, और जब भौजी आवे लाख तो टेंगारी से मार रहे और मार के चली आई, तो फिर वो ओकरे बाद अपने भाइये के और
अपने बाबू के, अपने बहनी के, यानी सबके फिर अपने लिए गए। तब वहीं से लाश उठाई के दूसरी, तब तक मरी ना रहे, तब फिर वहाँ जाए के बाद सब जने ओका फिर मारत गए, मारत गए और बाद फिर उठा के ओका ले जाए के दूसरी ठार छुपावत गए। वह कुल हमें सब बतावत गए हैं और भाई हमें यह बताए हैं कहाँ से कि हम सब वहीं जा गए तो हमें सब बाहर पुलिस वाले खड़ा कराए दें, अंदर ना आवे दें। तो यह कुल कहानी है और अब ये मैं जाँच पड़ताल अच्छे से हुए दोस्तों, तो मैं बहुत जने भाई बाटें गुनाह करे वाले और कईयो जने हैं, तब उनका सब नाम ना आएगा और अगर वो सब आ जाए ही सामने, यानी बराबर पूछताछ हो और सोर्स लागे अब हमारे सब कौनो सोर्स बना है और कौनो होना आएगा पहुँचना आएगा, एक नाते हमार सब के सुनत ना एहन। अगर सब साथ देख जाबा और वीडियो ही आगे तक पहुँचावत जाबा तो पूरा यानी हुआ जे जे मर्डर बा उमा शामिल सब आ जाए सामने। अब लेकिन काव कही अब तो चलो दोस्तों, जितना ये कुल बताए हैं अब आप सबके बिहान अब सदर जाए के पता करे के पड़े का का मैटर कैसे का करे के हुए, वकील हमें फिर करे के हुए, यानी अब खर्चा बहुत लागे और तो का कही जाए कुछ समझ ना ही आवत बा और सब परेशान भैन सब बैठे हैं अपन रोवत गावत हाथ गए। यह कुल बा भैया और जैसे उमा ऊपर से सोर्स लगावा और हम बहुत उनकर सबके और एक नाते केस थोड़ा हल्का हो जात बा हमार सबके। अब का करिए हमारे को सबके इतना विश्वास रहा लेकिन कुल विश्वास अब पानी में मिल जात बा। अब वो इंसान ऐसा है दोस्तों कि वो बोल रहा था कि हम थाना पुलिस को सबको अपने जेब में रखते हैं और सही बात है, उसके पास पैसा है तो जेब में ही रख रहा है और हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, गरीब आदमी है और वो अभी तो गया है, देखो अब कुछ दिन में जमानत भी ले लेगा और फिर वो छूट के आ जाएगा, तो क्या करें अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। जैसा होगा आप लोगों को दिखाता रहूँगा और कमेंट करके ज़रूर बताओ दोस्तों इसके आगे हम लोग क्या करें क्या ना करें, तो जैसा आप लोग बताएंगे तो उसी हिसाब से हम लोग काम आगे करेंगे। तो बस और यहाँ हमारे यहाँ कोई विधायक नहीं, सांसद नहीं, न कोई गांव का बड़ा जानकार और कोई ऐसा बड़ा जैसा नेता कोई भी या किसी भी पार्टी का कोई यार, निषाद पार्टी हो चाहे सपा हो चाहे बहुजन हो चाहे बसपा हो, कोई पार्टी का नेता हमारे तरफ अब ये दरवाजे नहीं आया, आश्वासन भी नहीं दिया। ये गांव वाले सब आते हैं और वो अपना दुआर करके रोन धोना चल करके सब चले जाते हैं गांव वाले और बाकी तो कोई नहीं आता दोस्तों। तो जब ऊपर से पहुँच गए तो नीचे वाले तो आदमी कुछ भी कर सकता है, इसके वजह से उसने ऐसा मर्डर किया करवाया और करके उसको लाश को जंगल में छुपाया, तो दूसरा कोई रहता तो कर नहीं पाता लेकिन इसने कर के दिखा दिया और अभी तो उसको पूछताछ भी उतना खास नहीं हुआ, मार भी नहीं पड़ा होगा हमें नहीं लगता क्योंकि मैं अभी देखा था तो सब अच्छे से जा रहे थे। और आप सब बतावा कि दूसरे बिरादर में अगर ऐसा होता, हम लोग तो निषाद हैं, अगर दूसरे बिरादर में ऐसा होता तो दूसरे लोग उसके घर पे नहीं जाते और उसके जैसा हर एक विधायक सांसद या कोई भी जात के हो, लेकिन भेदभाव करके हमारे तरफ नहीं आए। अब आप लोग क्या कहना चाहते हैं आप लोग कमेंट में जाके खुद आप बोलो।